अरे वाह बलदेव भैया, वेल डन। चमन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि पैसे कमाना इतना आसान होगा। चित्रगुप्त जी, प्रभु, पैसे इतनी आसानी से कैसे कमाए जा सकते हैं, हमें तो इस योजना पर शंका हो रही है। हाँ प्रभु, शंका तो हमें भी हो रही है। केवल 10,000 रुपए लगाने से 1,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन कल जब लाखों लोग इस योजना से जुड़ जाएंगे तो लाखों लोगों को इतने पैसे कैसे मिलेंगे, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, किंतु बबलू पापा तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु, वो तो मान ही नहीं रहे। ओ भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? मैं लुट गया चित्रगुप्त जी, यमराज मैं लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, मैं कहीं का नहीं रहा। तुम लोग ठीक थे, मैं गलत था। तुम यही सोच रहे होगे ना, मैं यही कहने वाला था। मैं बर्बाद नहीं हो गया हूँ, मैं लुट नहीं गया हूँ। तुम गलत थे, मैं सही था, मैं आबाद हो गया हूँ। ये देखो 1,00,000 रुपए का चेक। ये देखिए देखिए चित्रगुप्त जी, देखिए। चित्रगुप्त जी, प्रतीत होता है हम शंका करने में थोड़े गलत थे। तुम हमेशा से ही गलत थे मिस्टर यमराज। असल में तुम्हारा नाम यमराज नहीं, गलत राज होना चाहिए था। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने तो हमें बताया था कि इस चेक पर किसी मनुष्य के हस्ताक्षर होते हैं। हाँ प्रभु, बिल्कुल होते हैं। इसमें हस्ताक्षर नहीं है चित्रगुप्त जी। दिखाइए। हाँ प्रभु, वाकई इस पे हस्ताक्षर नहीं है। जलन की वजह से तुम्हारी आंखें खराब हो गई। ये रहे हस्ताक्षर, देखो ये। हस्ताक्षर कहाँ गए? चमन की वजह से इस गेम में फंसा हूं मैं। ए चमन, और चमन के बच्चे बाहर निकल, और चमन, चमन बाहर निकल। बलदेव भैया। अरे बाबा, अभी छुट्टे नहीं है, मैं खुद लूटा पीटा पड़ा हूँ। लूटा पीटा तो मैं भी हूँ। बलदेव भैया, इधर देखो, मैं हूँ चमन। चमन पुत्र, आप इस वेशभूषा में क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं? चमन पुत्र, ये कोई शीघ्र पैसे कमाने की नई योजना है? नहीं। तो फिर आप कोयले के खदान में गिर गए थे? नहीं। तो क्या आप किसी वाहन के नीचे आ गए थे? नहीं। तो क्या आप किसी चलचित्र में अभिनय कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, इसकी ये हालत किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन इसने मेरी ये हालत क्यों कर दी? इस चेक के ऊपर साइन क्यों नहीं है? क्यों नहीं है साइन इस चेक के ऊपर? इधर दो मुझे चेक। क्योंकि ये चेक नहीं बल्दे भैया, रद्दी का कागज है। ये कंपनी, ये स्कीम सब धोखा था, धोखा। कह दो ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता चमन, ये नहीं हो सकता। भैया यही हुआ है, वो कंपनी पे ना पुलिस की रेड पड़ी, उस कंपनी के मालिक को जिसने ये योजना फैलाई थी ना, उसको धोखाधड़ी के इल्जाम में जेल में धक्के मार के डाल दिया। क्या? चित्रगुप्त जी, अब हमारी समझ में आया ये बेचारे चमन पुत्र इस वेशभूषा में क्यों घूम रहे हैं, पुलिस से बचने के लिए। हाँ, ये तुम्हें वेशभूषा की पड़ी है, यहाँ मैं लुट गया हूँ। यम जी, मैं वेशभूषा में नहीं घूम रहा हूँ, ये मेरी वेशभूषा को फाड़ा गया है। उस हर एक इंसान ने जिसको मैंने इस आइडिया के बारे में बताया था, जिस जिसके पैसे मैंने इस स्कीम में लगवाए थे ना, सबने मुझे तबीयत से धोया है। आज तक इतनी पिटाई नहीं हुई मेरी यम जी। बोले भैया इधर देखो, आप भी काम करो, आप ना मुझे दो हाथ लगाओ और फिर आप भी जाके छुप जाओ कहीं, क्योंकि लोग आपको भी ढूंढेंगे, आपको भी धोएंगे पिटेंगे। आप भी कैसे, क्या हो गया ये? रातों रात अमीर बनने के चक्कर में मेरा सारी दुनिया घूमने का सपना तो ऐसे ही रह गया, और आज आज तुम खुश तो बहुत होगे ना? तुमने जो कहा था वही हुआ। नहीं बबलू पापा, हम खुश नहीं है, किंतु इस योजना के द्वारा आप और हम दोनों कुछ सीखे। आप ये सीखे हैं कि बिना किसी मेहनत के आसानी से धन नहीं कमाया जा सकता, और हम इस योजना से एक और योजना के बारे में सीखे हैं।
इस योजना के तहत हम इसी योजना में से धन की भूमिका निकालकर यदि इसमें भलाई की भूमिका डालते हैं तो ये योजना अवश्य सफल होगी। यम जी इधर देखो, इधर देखो, मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं आपको चमन पुत्र। यदि आप पूरी निष्ठा से किसी भी तीन लोगों से पैसे लेने की बजाय उन तीन लोगों की किसी भी तरह से मदद करें, उनका भला करें और वो आगे किसी भी तीन लोगों का भला करें तो सोचिए पृथ्वी लोक पर कितनी भलाई हो जाएगी और फिर इस भलाई के चक्र में आप भी आ जाएंगे और आपका भी भला होगा। अद्भुत प्रभु, क्या योजना बनाई है। इस योजना का नाम होना चाहिए एक हाथ ले एक हाथ दे, किंतु किसी और को दे। अद्भुत नाम है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। अरे खाक अद्भुत है, अद्भुत नाम है, कुछ नहीं होने वाला ये योजना से। एक हाथ ले एक हाथ दे। अवश्य होगा पब्लिक पापा, बल्कि हम तो कहते हैं किसी तीन नहीं एक ही व्यक्ति का भला करेंगे तो भी आपका भला होगा, आपके स्वप्न पूर्ण होंगे, अवश्य होंगे। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अगर किसी एक की भलाई करूं तो हवाई जहाज में घूमने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। हाँ बबलू पापा, अवश्य घूम सकते हैं, भलाई में बड़ी ताकत होती है। हाँ बबलू पापा, बल्कि हम आपसे वादा करते हैं कि यदि आप सच्चे दिल से किसी का भला करेंगे तो 7 दिन के भीतर भीतर आपका स्वप्न पूरा होगा और आप भी हवाई जहाज में भ्रमण कर पाएंगे। और अगर ये मेरा सपना पूरा ना हुआ तो आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, अगर 7 दिनों में सारी दुनिया घूमने का मेरा सपना पूरा नहीं हुआ तो तुम वादा करो, एक तो तुम मुझे तंग करना छोड़ दोगे और तंग ही क्या, तुम मेरा घर भी छोड़ दो। मेरा घर भी छोड़ो। ठीक है बबलू पापा, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही। यदि अगले 7 दिनों के भीतर भीतर आपका स्वप्न पूरा नहीं हुआ तो हम वापस यमलोक चले। ये क्या कह दिया प्रभु आपने, अगर बबलू पापा का सपना पूरा हुआ तो भी चित्रगुप्त जी हम वापस यमलोक चले ही जाएंगे, क्योंकि यदि ये भलाई श्रृंखला सफल हुई तो फिर हमारा पृथ्वीलोक पर कार्य समाप्त हुआ। अब आप बताएं बबलू पापा, क्या आप इस एक हाथ दे एक हाथ ले श्रृंखला में भागीदार बनना चाहेंगे। हाँ मुझे मंजूर है। अद्भुत बबलू पापा, किंतु याद रहे इस भलाई श्रृंखला के 2 नियम हैं। पहला ये कि जो जरूरतमंद व्यक्ति आपको सबसे पहले मिले आप उसकी सहायता करेंगे और फिर आप पीछे नहीं हट पाएंगे, और दूसरी शर्त ये कि आप जिसकी भी मदद करेंगे पूरी श्रद्धा से पूरी निष्ठा से करेंगे। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी इसी बात को आजमाने के लिए मैं बबलू की कसम खाता हूँ कि मैं अपने सच्चे दिल से भलाई करूंगा। तो ठीक है बबलू पापा, हम भी बिंदिया बहन की कसम खा के कहते हैं कि चाहे आप जीते या हारे किंतु इस भलाई की श्रृंखला का निर्णय निकलते ही हम भी वापस यमलोक चले जाएंगे। किसका भला करूं, कोई जरूरतमंद मिल जाए आज उसका भला कर ही डालूंगा। अरे ये दत्तू, लगता है इनको मेरी मदद की जरूरत है, आज इनकी मदद कर ही डालूंगा, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ये कैसी चुनौती दी आपने प्रभु, एक हाथ दो एक हाथ लो, मगर किसी और को सफल हो या ना हो हमें तो जाना ही पड़ेगा। जी चित्रगुप्त जी, यदि ये
एक हाथ दे एक हाथ ले योजना असफल होती है, तो इसका अर्थ होगा कि हम मनुष्यों को सच्चाई की, अच्छाई की राह पे चलना सिखाने में असफल हुए हैं, और फिर हमारा पृथ्वीलोक पर रहना अनुचित होगा। और यदि ये एक हाथ दे एक हाथ ले योजना सफल होती है, तो फिर इस पृथ्वीलोक पर इतने सारे अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलने वाले मनुष्य होंगे कि फिर हमारी यहाँ पृथ्वीलोक पर आवश्यकता ही नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ से वापस यमलोक चले जाएंगे। मतलब ये प्रभु कि हम विजयी होकर जाते या पराजित होकर, ये बबलुक पापा के भलाई पर निर्भर करता है। जी चित्रगुप्त जी। बाबूजी, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बाबूजी, मैं आपसे ही कह रहा हूं, कुछ आपकी मदद कर सकता हूं दादाजी? तुम मेरी मदद कर पाओगे? अरे क्यों नहीं, मदद करना तो मेरी पॉलिसी है। अच्छा, इसे उठा के दिखाओ। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्यों उठा लूंगा इसे बाबूजी? अभी लीजिए। ओ, नस चढ़ गई। जाओ बेटा, पहले थोड़ा चवनब्राश खा करके आओ, इस थुरथुरे हाथों से नहीं उठेगा। और फिर तुम मेरी मदद करने के लिए आए क्यों थे? देखिए भाऊजी, वो मदद करना तो मेरी पॉलिसी है, वो तो बाय चांस नस चढ़ गई तो मैंने। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा तुमने सोचा ये कि ये बुढ़ा आदमी है, सामान उठाने के बहाने इसका सामान लेकर के भाग जाऊंगा, समझे? मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। Shut up! बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता, पर लूटने के लिए तुमने गलत आदमी को चुना है। अरे मैं मिलिट्री का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, और मुझ में अभी इतनी ताकत है कि सिर्फ जैसे लुच्चे लफंगे को मैं ठीक कर सकता हूँ। मारो मत मारो। अरे ये दादू तो बड़ा खतरनाक निकला, मैं कहाँ भलाई करने जा रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अरे आप लेकर आओ छुट्टे, मैं कहाँ से लेकर आऊँ? अरे मैडम देखो, दिमाग खराब मत करो, मेरे पास 35 रुपए नहीं है, 35 रुपए छुट्टे दो चुपचाप। अरे मैं कहाँ से दूँ, मैंने एक बार आपसे कहा ना कि मेरे पास नहीं है। ओह, ऑटो वाला लड़की को परेशान कर रहा है, अच्छा मौका है, भलाई श्रृंखला यहीं से शुरू होगी। ए ऑटो वाले, क्यों तंग कर रहा है मैडम को? अरे भाई साहब आप ही बताओ, ये मैडम ने खुद हमें तंग कर रखा है, इनका मीटर गिरा है केवल 35 रुपए का, और दे रही 1000 के नोट, अब आप ही बताइए कहाँ से लाए हम इतने खुले पैसे? अरे तो खुले पैसे लेकर चलना चाहिए ना, अब मेरे पास भी नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ तुम्हें? 35 रुपए में भलाई का टंटा सर से उतरेगा, फायदे का सौदा है। अरे मैडम आप बताओ, इतने खुले पैसे कोई लेके निकलता है क्या? आप भी ना। ए ऑटो वाले, तंग करना बंद कर मैडम को, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे दुनिया में एक भला आदमी मौजूद है, ये ले अपने पैसे, 35 रुपए 35 रुपए। जाओ जाओ। थैंक यू भाई साहब। अरे मैडम थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है, मेरी तो पॉलिसी है लोगों की भलाई करना, बस आपसे एक चीज चाहता हूँ। क्या? एक हाथ दे एक हाथ ले। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि बिना फायदे के कोई किसी की मदद क्यों करेगा। जी मैं समझा नहीं। मैं आपको अच्छी तरह से समझ रही हूँ, अकेली लड़की मुसीबत में देखी नहीं कि आ गए डांस पे चांस मारने। क्या हुआ मैडम, तंग कर रहे हैं आपको? हाँ भाई साहब, मदद करने के बहाने लाइन मारना शुरू कर दिया इसने, यही स्कीम होती है इन जैसे लोगों की। अरे ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए, अबे मारो इसे। कितनी असहिष्णुता बढ़ गई है इस समाज में, अरे कोई किसी की सुनता ही नहीं, किसी की भलाई करने जाओ तो उल्टा शक करता है, इसे नहीं होगा ये सब। भाड़ में गई भलाई श्रृंखला, मैं जा रहा हूँ। हेल्प हेल्प, प्लीज कोई गाड़ी रोको। अरे मेरी गाड़ी को, हेल्प प्लीज। हेल्प प्लीज, कोई मेरी गाड़ी को रोको। अरे भाई साहब कोई रोको, ये का Thank you.
अरे ये इतने धुंध क्यों है दिल्ली में? मुझे ठंड भी नहीं लग रही, ये सब हो क्या रहा है? अरे श्रीमती जी, आप कौन है? मैं श्रीमती नहीं, मैं अप्सरा हूँ। देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। बड़े मजाकिया हैं आप, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, मैं सच में अप्सरा हूँ। और ये दिल्ली नहीं, ये यमलोक है। और ये सब धुंध नहीं, ये बादल हैं। बादलों में मैं ऐसे कैसे चल रहा हूँ? ये कहाँ चली गई अचानक से? अरे ये तो वही गांव है जहां से मेरे साले आए थे। क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये यमलोक है मनुष्य। पृथ्वी लोक पर तुम्हारा जीवन समाप्त हुआ, अब हमारे महाराज यमराज स्वयं तुमसे भेंट करें। अरे मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? मैं यमराज का जीजा हूँ। जीजा? मैं सच में जीजा हूँ उनका। सावधान, यमलोक के राजा महाराजा यमराज और चित्रगुप्त जी पधार रहे हैं। कौन सी जगह से आ रहे? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। प्रारंभ करें। जी प्रभु, सबसे पहले जिनके जीवन के उपरांत आपको निर्णय लेना है उनका नाम है अशोक। अशोक पुत्र ने जीवन में 8378 बार झूठ बोला है, 3756 बार लोगों का बुरा चाहा है और 1982 बार बुरा भी किया है। झूठ बोलना, लोगों का बुरा चाहना पृथ्वीलोक पर दंडनीय अपराध नहीं होगा, किंतु यमलोक में है पुत्र। महाराज पर गलतियों को माफ कर दो। महाराज, महाराज माफ कर दो मुझे महाराज। अब सूची में दूसरे मनुष्य हैं, बलदेव कपूर, हमारे बबलुक पापा। हाँ? अरे क्या नाटक लगा रखा है? ए मूर्ख मनुष्य, शांत, हम इन्हें जानते हैं। पृथ्वीलोक पर ये हमारे जीजाजी रह चुके हैं। आ। और हम इन्हें प्यार से बबलुक पापा बुलाते थे। बबलुक पापा? चुप। बबलुक पापा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पर आपका समय समाप्त हुआ है, इसलिए आप इस समय हमारे साथ यहाँ हमारे राज यमलोक में हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.